तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं परफेक्ट बोल के यहाँ पे हमें मिला है, मतलब इसके प्रॉपर सिग्नल यहाँ पे अभी रिसीव हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हो SJDTH यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा एप्लीकेशन जिसकी मदद से आप घर पे ही आप कोई भी DTH ऑपरेटर सेट कर सकते हो, जैसे कि DTH के सिग्नल आप घर पे ही ला सकते हो आपके मोबाइल के जरिए। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक मोबाइल है, Redmi Note 5 Pro। तो दोस्तों इसके अंदर मैंने एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जो कि मैं आपको बताता हूँ, वो भी एप्लीकेशन आपको दिखा दूँगा। तो दोस्तों उससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे हम रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आपको दिखा देता हूँ वो एप्लीकेशन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप आपके स्मार्टफोन की मदद से ही कर सकते हैं दोस्तों आप कोई भी DTH सिग्नल सेटिंग। तो दोस्तों आपको क्या करना है, प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, प्ले स्टोर से आपको इंस्टॉल कर लेना है सेटेलाइट फाइंडर प्रो, इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, वो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ये सेटेलाइट फाइंडर प्रो, इस नाम से आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा दोस्तों प्ले स्टोर के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर लेता हूँ, एडवर्टाइज को स्किप कर लेता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आपको करना है सेटेलाइट फाइंडर, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना जो है तो लोकेशन यहाँ पे एक्चुअली ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे सर्च बार के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, जो भी मुझे समझ लो अभी फ़िलहाल में ABS जो कि ABS 2A 65 ईस्ट पे हमें मिलता है, तो उसको सेलेक्ट करना है और एड्रेस को स्किप कर लेता हूँ। अभी मैं करने वाला हूँ दोस्तों ABS 2 जो कि 75 ईस्ट पे हमें मिलता है। तो अभी क्या है, अभी ये जो एरो है, ये एरो के ऊपर ये एरो आना चाहिए, मतलब ये एरो इस एरो के ऊपर आएगा तभी जाके अपना प्रॉपर डिश सेट हो जाएगा। तो अभी मोबाइल इसके ऊपर आपको मोबाइल कहाँ डिश के ऊपर मोबाइल आपको कैसे रखना है दोस्तों, उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो ऊपर आई बटन दोस्तों, उस आई बटन के ऊपर जाके वो इसका प्रॉपर मैंने एक वीडियो बनाया है कि डिश के ऊपर आपका मोबाइल कैसे रखना है, वो भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये एरो इस एरो के ऊपर लाना है, तो मतलब डिश को आपको रोटेट करना है और जूम आउट करना है दोस्तों डिश को, जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे करते यहाँ पे ये परफेक्ट बोल के आएगा, और जैसे कि आपने देख लिया यहाँ पे परफेक्ट बोल के आया है, इसका मतलब ये अभी इस दिशा में मेरा सिग्नल है, मतलब जैसे इस मोबाइल जिस दिशा में है उस दिशा में मेरा प्रॉपर सिग्नल है। तो ऐसे करते करते यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ दोस्तों NSS 6 जो कि 95 ईस्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 95 ईस्ट में सेलेक्ट करना है, और 95 ईस्ट अभी सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते अभी जो तो अपना ABS ऐसे आया था, और अभी डिश टीवी जो कि 95 ईस्ट है वो अभी यहाँ पे जैसे देख सकते ये यहाँ पे मेरे सिग्नल डिश टीवी के प्रॉपर यहाँ पे मिले, मतलब इस दिशा में मेरी डिश टीवी के सिग्नल है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों 108 डिग्री ईस्ट से, आपको मतलब ध्यान से देखिए दोस्तों, जो कि मैं आपको जो ये बता रहा हूँ दोस्तों, जो लोकेशन बता रहा हूँ इधर वाली साइड उस लोकेशन से आपको पता चल जाएगा कि प्रॉपरली ये एप्लीकेशन मतलब वर्क कर देगा। अभी ईस्ट एक्स मतलब ES जो कि 108 डिग्री ईस्ट है, तो इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे जैसे देख सकते यहाँ पे आया था मेरा डिश टीवी, यहाँ पे आया था ABS, और यहाँ पे इसके सीधा ही यहाँ पे जैसे यहाँ पे जैसे देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे एयरटेल के सिग्नल मुझे रिसीव हो चुके हैं अभी। तो ऐसा है दोस्तों डिश टीवी ऐसा, मतलब ये आपको लोकेशन से पता चला होगा कि एप्लीकेशन कितना प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो ये होगा दोस्तों जितने भी आप सेटेलाइट ट्रैक करना चाहते हैं वो आप मोबाइल से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी सेटेलाइट के नाम यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो है तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो। समझ में आया है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि दोस्तों आपके लिए हम ऐसे रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, हम आपको अभी दिखाएंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर सेटिंग कैसी होती है, इस मोबाइल का कैसे इस्तेमाल करते हैं डिश के ऊपर, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। चलिए दोस्तों मैं मिलता हूँ ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।